हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2024 का जो यूपीपीसीएस होने वाला है उसमें बंपर भर्ती आ रही है। एक एक पोस्ट की आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप लोग सर्वोदय एसएम की यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, और कोई भी इंक्वायरी कोई भी क्वेरी हो आपको, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपीपीसीएस 2024 में बंपर वैकेंसीज आ रही हैं, और मतलब आपकी बहुचर्चित जो हैं और जो हर तरीके की पोस्ट आ रही है, फाइनेंस रिलेटेड, डीएस से रिलेटेड, डिप्टी जेलर से रिलेटेड, नायब तहसीलदार से रिलेटेड, हर चीज़, हर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहली बात कर लेते हैं डेट की। डेट की बात करें तो आरओ का जो प्री है, आरओ का जो प्री है वो आपका 4 फरवरी को होने के ब्राइट चांसेस हैं। ठीक है, आरओ के प्री के 4 फरवरी को होने के ब्राइट चांसेस हैं। पीसीएस के प्री का मार्च में होने के ब्राइट चांसेस हैं। ठीक है, मार्च में होने के ब्राइट चांसेस हैं। और दोनों के अगर मेंस की बात करें तो एक का जुलाई में होगा और दूसरे का अगस्त में होगा। ठीक है, एक का जुलाई में होगा, दूसरे का अगस्त होगा। तो ये आप एक साथ दो एग्ज़ाम को टारगेट करके और दोनों को एग्ज़ाम आगे पीछे दे सकते हैं। आपके पास एक एक महीने का टाइम है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो ये डेट के हिसाब से भी आप समझ लीजिए आपको कैसे प्लान करना है आगे, और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई। देखिए, मैं बाहर हूँ तो थोड़ा सा आपको हो सकता है और आवाज़ें मिलें उससे आप थोड़ा सा वो हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी आवाज़ क्लियर आप तक पहुँचे। देखिए, दोनों एग्ज़ाम को आप टारगेट करके कहीं ना कहीं सेम जीएस को कवर करके आप एग्ज़ाम के बहुत करीब जा सकते हैं। सारे एग्ज़ाम आपको देने नहीं है, आरओ टारगेट कीजिए, पीसीएस टारगेट कीजिए, टॉप के 2 एग्ज़ाम हैं और इन्हीं में अपना सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, ज़्यादा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। आप बस 2 एग्ज़ाम पर रहिए, आरओ और पीसीएस, बस इन्हीं दोनों एग्ज़ाम को आप मेन टारगेट कीजिए, आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करते हैं, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इस बार जो बम्पर वैकेंसीज़ के चांस हैं, अगर हम बात करें, ये सबसे फेमस है, हर इंसान इन्हीं दोनों पोस्ट के लिए जाता है। तो मिनिमम अगर एसडीएम आप मान के चले तो 42 के आसपास आपको आराम से मिलने वाली हैं एसडीएम की, 42 to 45। ठीक है, 42 to 45 आपका एसडीएम के लिए है, 42 to 45। देन हम बात करते हैं डीएसपी की। देखिए, डीएसपी की अराउंड 50 कहीं नहीं गई सर, ये 42 से 45 और ये 50। ठीक है, 50 के आसपास रहेगा आपका डीएसपी का भी। देन हम बात करते हैं एसीजीएसटी, जिसको आप पहले सीटीओ और तमाम नाम देते थे, इसको एसीजीएसटी बनाया गया है और इसमें कार्डर रिव्यू भी हुआ है। तो इसमें तकरीबन 250 पोस्ट सिर्फ इसकी आ रही हैं, 250 अलग अलग तरीके की फाइनेंस में, 250 पोस्ट आपकी सिर्फ एसीजीएसटी की तरफ, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड आपकी 250 पोस्ट के आसपास सिर्फ इसकी आ रही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सर। उसके बाद एआरटीओ की बात करते हैं, एआरटीओ अराउंड 15, सारी पोस्ट की एकदम अलग अलग करके एकदम डिटेल वो देंगे, तो एआरटीओ अराउंड 15। ठीक है, देन एक इंपॉर्टेंट वो आ रहा है बम्पर वैकेंसी जेलर में, डिप्टी जेलर अराउंड 75। तो आपको बस क्या बोला था, 2 एग्ज़ाम टारगेट करने, आरओ और पीसीएस। इसमें जीएस सेम है, आप इसमें आपको हिंदी थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़नी है, वही हिंदी यहाँ पर भी काम आ जाएगी। तो इस तरीके से शेड्यूल करिए अपने पूरे एग्ज़ाम को, प्रिपरेशन को, कि आप दोनों एग्ज़ाम्स को इजीली टारगेट कर सकें। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद फिर आता है एक बहुत वो नायब तहसीलदार, एनटी नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार की फ़िलहाल 100 के आसपास हैं, फ़िलहाल 100 के आसपास हैं और ये बढ़ेंगी भी, 100 के आसपास हैं और ये बढ़ेंगी भी। ठीक है, नायब तहसीलदार बहुत अच्छी पोस्ट है और इसमें सिलेक्शन लेके आप आगे एसडीएम और डीएम तक, जो ये जो एसडीएम और डीएम वाला जो रास्ता होता है वो इसी से नायब तहसीलदार के थ्रू ही जाता है। इसके बाद एक अगला आता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी अच्छी पोस्ट होंगी इस बार, अराउंड 35 से 40 आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी पोस्ट देखने को मिलेगी। बड़ी ही बेहतरीन पोस्ट है और इसमें आपका मतलब आपके अंडर में स्टाफ, अपना जो डेडिकेटेड स्टाफ होता है वो बहुत बढ़िया होता है इसका। ठीक है, तो काफ़ी इज्जत वाली पोस्ट है ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब इसमें ये आपको नेक्स्ट आपको ये देखना होगा, आप सर्वोदय एसएमएल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी इनिशिएटिव लूँगा इन दोनों एग्जाम के लिए, आरओ और पीसीएस के लिए, जो कुछ भी इनिशिएटिव होगा वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा डेडिकेटेड मटेरियल आपको मिलेगा। अभी मैंने 69 BPSC के लिए जो करंट अफेयर रेडी कराया था, अगर आप इसी वीडियो को देख लीजिए तो आपका अगस्त सितंबर तक की आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट है। इसके ऊपर का 6 मंथ का एक साथ फिर करा देंगे हम। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि आपको सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। अभी हम इसमें मेंस के आंसर राइटिंग स्टार्ट कराने वाले हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक, 3 महीना प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक ही पढ़ाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।